ओडिशा के बालोसर में शुक्रवार की शाम में हुए ट्रेन हादसे में अभी तक 288 लोग मारे गए तो वहीं 900 के करीब घायल हैं। ये हादसा भारत में आजादी के बाद से हुए घातक ट्रेन हादसों में से एक है। यह हादसा कितना घातक था इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रेल की पटरी सीधे ट्रेन की फर्श को चीरते हुए अंदर घुस गई। हादसे के बाद चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की वजह से कई ट्रेनें आज कैंसिल हो गई जबकि कई के समय में बदलाव किया गया है। देश ही नहीं विदेशी राष्ट्र प्रमुखों ने भी इस दर्दनाक रेल हादसे पर दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घटना शुक्रवार की शाम की है जब कोलकाता से चेन्नई आने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इसी बीच यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस वहां आ गई और कोरोमंडल से टकराकर पलट गई। इस टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हो गई जिसमें ट्रेन का इंजन बोगी के ऊपर चढ़ गया। तो वहीं इस हादसे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। ऐसा ही एक हादसा 1981 में भी हुआ था। इस ट्रेन में एंटी कोलिशन डिवाइस नहीं था, अगर वो होता तो ये हादसा नहीं होता। हमारे राज्य के जिन लोगों की इस हादसे से मृत्यु हुई है उनके परिजनों को हम 5-5 लाख रुपए देंगे। हम राहत और बचाव कार्य में राज्य सरकार और रेलवे का पूरा सहयोग भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बालासोर रेल दुर्घटना में मरने वाले राज्य के लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए और मामूली चोटों वाले लोगों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की है। बालासोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मैं राजनीतिक दलों से आगे आने और मदद करने का अनुरोध करता हूँ। मैं शोक संतप्त परिवारों की प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से कई सवाल पूछने हैं लेकिन अभी वक्त राहत और बचाव का है। तो वहीं बंगाल सरकार ने बालासोर में ट्रेन त्रासदी की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम शुरू किया है। सरकार ने नबना में 24/7 कंट्रोल रूम शुरू किया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हर घंटे की स्थिति की रिपोर्ट की जा रही है। इसके लिए एक विशेष टीम तैयार की गई है जिसमें 4 वरिष्ठ IAS अधिकारी, 4 डिप्टी मजिस्ट्रेट और 1 ACP शामिल है। इस पूरे हादसे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत में एक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत से मैं बेहद दुखी हूँ। मैं इस त्रासदी से अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो वही इस हादसे को लेकर जापान के प्रधानमंत्री फुमिया किशोदा ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है और कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, ओडिशा राज्य में हुए ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर सुनकर बहुत दुखी हूं। जापान सरकार और लोगों की ओर से मैं उन लोगों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। तो वही इस हादसे को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक रेल हादसे में लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था इस्तीफा, लेकिन हमें मोदी सरकार के किसी मंत्री से इस्तीफा की उम्मीद है नहीं। यदि माननीय मंत्री जी में शर्म होगी तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वही इसी बीच 2:20 के आसपास रेलवे ने बयान जारी करते हुए ये बताया था कि उस जगह पर अब ऑपरेशन पूरा हो चुका है और सेवाओं की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। तो वही ये हादसा काफी समय बाद एक बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है जहां पर रेलवे की लापरवाही जताई जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।